एंट्री की। आप हीरो नंबर वन थे, रियल लाइफ से रियल लाइफ में आप आए। उस वक्त एक पिक्चर भी आई थी सरकार नामक, जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक हर मोड पर गोविंदा 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 था, लेकिन गोविंदा के नज़र नहीं आए उस पिक्चर में। वो तो खाली रील थी, अब आप रियल में हैं, आप हर जगह दिख रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस रियल लाइफ में गोविंदा का रोल समझ में नहीं आ रहा है, वो बता दीजिए क्या है रोल। धर्मेण हनते व्याधि, धर्मेण हनते ग्रह, धर्मेण हनते शत्रु, ये तो धर्मा तथो जया। आदरणीय सिद्ध साहब की मुझे अच्छा लगा कि वो थोड़े से वो पूजा प्रार्थना वाले हैं, थोड़ा जानता राजा अपन जला मराठी पढ़ते ना, वैसा टाइप के नेचर है और धर्म से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि आपके साथ में ये अच्छा है, थॉट रहेगा, आगे निकलेंगे हम लोग। और बेस में तो वही है, मूल में वही है, शिवसेना ही से आए हैं वो, और शुरुआत होती है तो हुआ करे, तो सेवा की देखिए, हर कलाकार जो फिल्म लाइन में है, मूल रूप से अगर देखना चाहेंगे तो उसकी सेवा यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये भूमि जो है, चित्रकूट हो, चित्रपट हो, या जो टाइप का प्रोग्रेस इस देश की तरफ से देखा गया है, उसके जड़ में महाराष्ट्र की जो है, जो भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक माई है जिसकी मुझे लगा कि मैं सेवा प्रदान करूं। आप प्रदान करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप जिस तरीके से आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों में आप जाते हैं, विदर्भ का आप दौरा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री 46 डिग्री कई कई और तो 48 डिग्री तक टेम्परेचर है, लेकिन लोग आपसे मिलने के लिए बड़े आतुर हैं, आ रहे हैं। हाँ, और वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पहले देख लिया करता हूँ कि ये किसी की तकलीफ ना आए या बीमार ना हो जाए, लेडीज स्पेशली बच्चे, तो मैं पहले कह दिया कि भैया दोपहर में हम नहीं करेंगे रैली। ये लोग आ रहे हैं, ये प्रेम है, ये अलग है। हम लोग इवनिंग में रैली नहीं, हम लोग करते हैं, निकालते हैं बाहर, और डे टाइम में हम इंडोर कहीं किया करते हैं। तो किसी ने कहा गोविंदा तुम्हारी अपनी सुविधा के लिए तुम्हें तो मैं कहा जैसा सोचना है सोचो यार, तुम्हें क्या है उस पर हमारा वो प्रश्न नहीं कर सकते हम किसी के, वो सब एवरीबडी हैज देयर ओन थॉट्स, बट ये राइट है ये इस धूप में। तो लेकिन क्या राइट है कि गोविंदा इस बार चुनाव लड़े? मैं टिकट नहीं मांगा, मैंने अभी थोड़े दिनों में पहले किसी से प्रतिक्रिया देखी कि गोविंदा का टिकट नहीं मिलेगी, बहुत सारे लोग करते हैं प्रतिक्रिया तो करेंगे ना लोग, पर मैं उन सभी से ये कह दूं कि ये सब काम के लिए जो मैं चाह रहा हूं उसे किसी टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। हर आदमी जो यहाँ पे रह रहा है महाराष्ट्र में, उसके उत्थान में जो भूमि उसके काम आई है, वो माई है, और सेवा प्रदान का ये मौका मिल रहा है, तो ऐसे वैसे जैसे ये क्षमता और योग्यता जैसी आपको ऊपर वाले ने दिए, करिए सेवा कीजिए, तो वैसे मैं जुड़ा हूँ। और मुझे ये बहुत इन पे विश्वास आ गया कि ये जो है, हाँ ये अच्छे हैं, और ही इज इन स्पीड, हाँ बहुत अच्छा, तुरंत। अदरवाइज हम महाराष्ट्र में क्या सुना करते थे, अरे महाराष्ट्र मध्ये काही डिसिजन घ्यायचं असेल तर त्याला 29-30 वर्ष लागतील, तारीख पे तारीख, ग्रेट टेस्ट इज अ बिग। परंतु जैसा समय हो रहा है और जैसे आसपास के हम लोग के जो हम लोगों ने देखे हैं और राज्य हैं और जो प्रगति कर रहे हैं उसमें है, किसी हाल में महाराष्ट्र पीछे रह जाए तो अच्छा नहीं है। अच्छा, हम लोग जिस वक्त ज्यादा प्यार करते हैं तो हमें लोग ना शक की निगाह से देखते हैं, असं कसं एवढं प्रेम जगलं त्याच्या मनात। तो मैं कहीं जाता हूँ फंक्शन में तो अहुजा लगा देते, वही सोच है लोगों की कि शिंदे ही क्यों, हाँ अहुजा लगा देते, हाँ पंजाबी है। तो मैं हंसता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा आदत पड़ गई है ऐसे ही लोग देखने की, जो टिकट के लिए पंगा करते हैं, एक ताकत के लिए अपनों में वो प्रॉब्लम आ जाती है, तो
मैं कहा मे बी दे आर इन यूज टू दैट टाइप, पर मैं जिस तरह से पॉलिटिक्स से मैं निकला हूँ तो मुझे आदरणीय अमर सिंह जी अमिताभ बच्चन जी के साथ मिल गए। तो अमिताभ बच्चन जी कह रहे थे अमर सिंह से कि वो गोविंदा जो है वो ऐसे सहज किसी के हाथ नहीं लगेगा, तो वो मान नहीं रहे थे। हमको बहुत गोविंदा जो है ये बहुत थोड़ा उस टाइप के लगते हैं, तो अमर सिंह आइकन दोस्त रहे तो मैं कहा कि कुछ वार्तालाप हुई तो कहे पॉलिटिक्स से निकल जाओगे का? हाँ कैसे? कहा सिद्धिविनायक मंदिर गए हैं? हाँ। बल बाहर पल जुताई उतारते हुए से कल सोट लेके ऐसे कैसे बात किया इस शक्ति के लिए और लोग के लिए? मैं फिर पुनः माँ से क्षमा मांगता हूँ कि ऐसे मेरे मुंह से निकल गया था। तो मैं अब ये शक्ति के दिवस प्रार्थना के ही चल, इसी में मैं क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ।